साल की सबसे बड़ी और आखिरी अमावस्या यानी कि 8 अप्रैल को पड़ने वाली सोमवती अमावस्या, उसके बाद हमारे हिंदुओं का विक्रम संवत बदल जाएगा। अगर आपने पूरे साल कोई भी रिचुअल नहीं किया पितृओं के लिए यह अमावस्या का, तो इस दिन को गलती से भी मिस मत करना। आज मैं आपको 5 इजी एंड इफेक्टिव रिचुअल्स बताने वाली हूँ। उस दिन गंगा स्नान का बहुत ही ज्यादा महत्व है, तो नहाने के पानी में गंगा जल डालना बिल्कुल भी ना भूले। फिर आपको क्या करना है, आपके चौखट या तो आपके आंगन को अच्छे से क्लीन करके ठंडे पानी का छिड़काव करके एक दिया अवश्य करें, हो सके तो उस दिन फास्टिंग भी रखें। फिर आपको चले जाना है ऐसी जगह पर जहाँ पर सबसे ज्यादा कौवे या बर्ड्स आते हो, वहां पर जाकर आप बेसन से बनी हुई कोई भी चीजें फीड करवाइए, यानी कि सेब या गाठे ऐसा कुछ भी। अगर आप नहीं कर सकते तो आपके टेरेस पर आप खीर या रोटी अवश्य रखें। फिर आपको क्या करना है कि एक कलश में पानी भर लेना है हल्दी वाला, और पीपल के पेड़ के पास जाकर प्रदक्षिणा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप अवश्य करें। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो ये 5 में से कोई एक रेमेडीज अवश्य करें, जिससे आपको तो अमावस्या का पुण्य मिलेगा ही, साथ साथ आपकी फैमिली को भी इसकी ब्लेसिंग्स मिलेगी। तो मेरे साथ कहिए हर हर महादेव।